a shawl signed by one of the hijackers, a crushed can of cola, a tattered boarding pass, and a ticket for flight IC 814. These are the souvenirs that Pooja Kataria has kept safe for nearly 25 years. Kataria was a passenger on IC 814, the Indian Airlines flight that was hijacked and taken to Kandahar in Afghanistan in 1999. 8 days मैम 8 days लग गए थे प्लेन में हमें, तो एक्सपीरियंस था, मिक्स मैच था, डर भी था और था कि अब हम बचेंगे नहीं, तो ऐसा भी सब कुछ था, मिक्स था। हमें अंदर पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। हमें तो उन्होंने हेड्स डाउन करा के रखे 2 दिन, उसी डर के माहौल में ही जिए हम 8 दिन। With the new Netflix series bringing the hijack back into public memory, Pooja Kataria says the controversy surrounding the show is unwarranted. सीरीज देखी मैंने, बट ऐसे जो कंट्रोवर्सी चल रही है ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। जो ट्रू इवेंट है वही दिखाया है, और जो नाम के पीछे वो बोल रहे हैं तो वो उनके कोड नेम्स थे, वो इन्हीं नामों से एक दूसरे को बुलाते थे। तो कितने लोग थे, किन नामों से दूसरे को? ये 5 लोग थे। 5 में से मेन जो उनका हेड था वो चीफ था, फिर डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर, ये 5 नाम थे। जो बर्गर नाम का था वो भी इसलिए था क्योंकि लोगों को पैनिक अटैक आ रहे थे, वो उनसे फ्रेंडली हो रहा था कि ताकि इनको थोड़ा काम करूं। तो वैसे कुछ नहीं था कि बाकी सब तो कोई बोलता नहीं था, सिर्फ एक जो बर्गर था वही सबसे बात करता था। मेरे से नहीं, वो सबसे बात करता था, और लोगों से भी, अंताक्षरी भी खिलवाई उसने। Despite the ordeal she went through, Kataria also has some fond memories. एक्चुअली मेरा बर्थडे था, तो जैसे वो फ्रेंडली था तो मैंने उससे ऐसे ही बात कर ली थी कि ये मेरा बर्थडे, आप छोड़ दो हमें। तो उसने बोला कि हम यहीं पे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करवा देता हूँ। फिर उसने सब पैसेंजर्स को बोला, अनाउंस किया कि इनका बर्थडे है, तो सबने गिफ्ट दिए, उसने भी मुझे गिफ्ट दिया। तो क्या कुछ गिफ्ट था? बर्गर में गिफ्ट किया? हाँ जी, उसने शॉल गिफ्ट किया था। The web series triggered a row after a section of viewers objected to the humane portrayal of the terrorists and reference to their Hindu code names.